एबीपी न्यूज ने सबसे पहले इस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद इस पर लगातार कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। एबीपी न्यूज पर ही बाबा की पीड़ितों का दर्द भी पहली बार देश ने देखा था। अब इस बाबा के कई शिकार खोल रहे हैं इसके पाप की पोल। वीरेंद्र देव दीक्षित पिछले लगभग 2 महीने से फरार है, लेकिन उसके गुनाहों की परत दर परत खुल रही है। इस मामले में कई और पीड़ित परिवार भी सामने आए हैं, जिनमें एक 13 साल की बच्ची भी है। बच्ची का परिवार यूपी के बांदा का रहने वाला है। उसकी माँ भी आश्रम की सेवा में थी। 2015 में उसने अपनी बच्ची को आश्रम में भेजा और उसके बाद बच्ची के साथ जो हुआ उसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब बाबा आते थे तो जब मालिश करवाते थे और कपड़े अपने धुलवाते थे, नहलवाते थे, तो हमें ये खराब लगा। बाबा आए थे तो हम ऐसे देखने गए थे तो हमें भी पकड़ने लगे, तो हमारे कपड़े उतार दिए, माना ऐसे गंदी गंदी जगह में टच करने लगे, तो हमें फिर वहाँ से भागा चिल्ला के। बच्ची ने ये भी बताया कि शाम को दूध में कोई दवाई मिलाकर पिलाई जाती थी। शाम को दूध देते थे, उसमें दवाई डालते थे जिसमें पीने के बाद अलग से बेचैनी होने लगती है, मन उनकी तरफ अपना मन खींचने लगता है, उस तरह मतलब अपने मन पे कंट्रोल नहीं रहता, ऐसा हो जाता उधर उसको पीने के बाद। बच्ची की मां ने बांदा में बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उनका कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस महिला को देखिए, ये यूपी के फतेहपुर से आई है। वीरेंद्र देव दीक्षित की लंका में ये अपनी बेटी के साथ फंसी थी। गोपी बनाने और शिव का प्रसाद देने के नाम पर बाबा महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता था। लड़कियों और उम्रदराज महिलाओं को अलग रखा जाता था। सुंदर लड़कियों का बाबा से मिलने के लिए नंबर लगाया जाता था। खुद इस महिला के साथ भी बाबा ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। कहता है मैं कन्हैया हूँ, मैं कन्याओं का कन्हैया हूँ और तुम सब मेरी गोपियाँ हो। तो हम सोचे जब कन्या गोपियाँ हैं तो क्या हम गोपी नहीं बन सकते। इस तरह से हमारा भी मन वहाँ रहने लगे तो हमारा भी मन खींचता रहा, पर हमको धीरे से जब पता चला कि कन्याओं से अकेले मिलता है और मालिश करवाते, हमने खुद अपने आँखों से देखा, कन्याएं नहलाती भी हैं, तो हम दुबले पतले थे तो हम भी कन्या जैसे लगते थे, तो हम अंदर कन्याओं से थोड़ा व्यवहार करके ऊपर अंदर नीचे जाने लगे, अंदर तक सेवा करने लगे। ऐसे उनको लगा कि ये अब हमारे अलावा कहीं नहीं जाएगी। सिर्फ यूपी और दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने परिवार की बच्चियों को लेने आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हुए एक पीड़ित ने बताया कि उनकी 18 साल की बेटी दिल्ली के आश्रम में है, लेकिन उससे मिलने नहीं दिया जाता। फरुखाबाद से आए एक भाई ने बताया कि उनकी बहन कई साल से आश्रम में है, लेकिन परिवार से बात ही नहीं करने दी जाती। राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों से भी लोग अपने घर की महिलाओं और बेटियों को वापस ले जाने के लिए भटक रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो अंदर जो बच्चियां रहती हैं, जो महिलाएं रहती हैं, उनसे परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हैं, यूपी से लोग आए हैं, तेलंगाना से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, राजस्थान से आए हैं, और यही वो वजह है कि बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब इतने परिवार सामने आ रहे हैं और आश्रम पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं तो अभी तक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित सामने क्यों नहीं आए और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।